भारत सरकार की महत्वपूर्ण अमृत योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पार्कों का कमिश्नर अनिल कुमार ने निरीक्षण किया तथा वहां चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने शिवपुर शाहबाजगंज में बन रहे पार्क का निरीक्षण करते हुए वहां के कार्यों को देखा। इस दौरान उन्होंने वहां पर साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। इसके बाद कमिश्नर ने दीवान बाजार एवं लालडिगी पार्क के निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने नगर निगम के मुख्य अभियंता सुरेश चंद्र को निर्देश दिया कि अमृत योजना में पार्कों को भी लिया जाए और उनका सौंदर्यकरण भी कराया जाए, जिससे लोगों को स्वच्छ पर्यावरण की अनुभूति हो सके। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कमिश्नर अनिल कुमार ने बताया। और कब से बनना शुरू हुआ इसको? सर वो तो टाइम लिया था। किस तरह दो मिनट बाद हम लोग की भी कॉलोनी वापस करना चाहिए। एक तो यहाँ सफाई होती ही नहीं, कह पाते हैं हमें दो दिन तीन दिन की टाली आती है। अभी आए तो मैसरा उसको लेके जाएगा, एक चक्कर जाता है उसका काम खत्म उसका। और वार्ड में कम से कम नहीं 10 ट्राली डेली निकलता है मलबा, सब जगह हर रोड पे जाए देखिए मलबा पड़ा हुआ है, हर रोड पे चाहिए पड़ा हुआ है। ये तो पूरे वार्ड की स्थिति तो उसका ही पता चलता है कि वो सेंक्शन नहीं हुआ है। 14 फीट में सर गया है लेकिन सूख नहीं पाया, हल्के से पानी में सर भर जाता है। थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो घुटने भर पानी हो जाता है, पूरे पूरा मोहल्ला सर डूब जाता है। कौन सी कॉलोनी है ये? बैंक कॉलोनी है सर, घरों में पानी चला जाता है। ये सर प्राइवेट प्राइवेट बड़े पाग कम से कम 5 एकड़ 10 एकड़ पूरा मेरे पास है सर उसका रिकॉर्ड, मतलब बड़े बड़े 25 पार्क छाट करते हैं। बाहर सर मेन ट्रैक है हमारे पास, ट्रैक पे पत्थर लग रहा है, दुनिया भर के लाइटिंग है इसमें। मुझे सर अभी बात हुई थी उस दिन प्रसाद साहब थे, उनका कहीं कुछ वहाँ डालना नहीं व्यवस्था ही नहीं था। उसके बाद सर रिमूव किया था हमने सारा, 4-5 मिनट तोड़ दिया लोगों ने और इधर से पीछे से भाग के सब आते हैं सारे। यहाँ पे कोई आपने गार्ड कोई सुरक्षा नहीं है, पुलिस को कई बार चिट्ठी लिखा है उन्होंने। नहीं नहीं वो है ही नहीं कहीं पानी सर, इसलिए अगर नाली बना के 8 करोड़ रुपये में पानी बनी है तो क्या बताओ को क्या करना है सर? एक नई नाली बनवाई है जो बनी हुई है ऑलरेडी, उसको सब मिलवा दी बताइए, इसके अंदर पानी आएगा सर। क्या फायदे जब आपको कंपनी से कहीं कराना तो आप ही उसको तेज भारत सरकार की जो अमृत योजना के तहत हमारे यहाँ पूरे नगर निगम क्षेत्र में 10 पार्क बन रहे हैं। तो अभी प्रथम किस्त ही कुछ पार्कों में आई है तो उसका काम हम लोगों ने चेक किया है, तो अभी काम पूरा होना बाकी है।
अभी इनके द्वारा नेक्स्ट किसके लिए डिमांड करी है, तो मैंने इनसे यही कहा है कि एक तो ये पार्क समय से बन जाए, और दूसरा ये कहा है कि जो बड़े पार्क हैं अब कुछ बड़े पार्क लिया जाए जिससे शहर को आबोहवा अच्छी मिले, मेनली तो यह है। दूसरा ये भी कहा गया है कि जो हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो प्लास्टिक पे प्रतिबंध लगाए गए हैं, प्लास्टिक के पॉली बैग्स पे, और अब तो 15 अगस्त के बाद से कप प्लेट्स वगैरह पे भी लगाए गए हैं, तो उसको ठीक से अमल में लाए और सफाई पे भी ध्यान देने का है। अभी भी कई कॉलोनी में कूड़े मिल रहे हैं, तो वो भी मैंने नोट कर लिया है और हम नगर निगम को लिखेंगे।